बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम अस पेरेंट्स। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान आइडियोलॉजी के बारे में, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। ये हमारा सिलेबस है जिसको हमने कल भी डिस्कस किया। ये पाकिस्तान अफेयर का लेक्चर नंबर 2 है। ओवरऑल ये इस चैनल का पाकिस्तान अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से तीसरा लेक्चर है। इससे पहले हम सबका 2020 के पेपर का एक क्वेश्चन, अफगान ओन्ड अफगान लेड पीस डील पीस प्रोसेस, उसको सॉल्व कर चुके हैं। तो ये इससे पहले लास्ट लेक्चर में हमने एक्सप्लेन किया था पाकिस्तान अफेयर के सिलेबस को, और साथ साथ हमने स्ट्रेटेजी और क्या किस तरीके से पाकिस्तान अफेयर को तैयार करना चाहिए उस पे रोशनी डाली थी। आज हम ये आप सिलेबस देख सकते हैं, इसका पहला जो टॉपिक है आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान डेफिनेशन एंड एलुसिडेशन, इस पे हमने बात की है। कोशिश करेंगे कि यही हम सीक्वेंस जो है इसी को फॉलो करते हुए पाक अफेयर का सिलेबस हम मुकम्मल करेंगे। इस पर जितनी भी वीडियोस बनेंगी वो चैनल की जो प्लेलिस्ट पाकिस्तान अफेयर के नाम से है उसके अंदर तमाम वीडियोस मौजूद होंगी। तो ये आज का हमारा टॉपिक है, सिर्फ ये पहली लाइन की हद तक, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान डेफिनेशन एंड एलुसिडेशन। ये हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स हैं, ये बाद में हम आने वाले लेक्चर में स्टडी करेंगे। ये ओवरऑल सिलेबस था जो कि हमने कल डिस्कस किया। तो आते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड आइडियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ आइडियाज। देयर इज नो यूनिवर्सल डेफिनेशन ऑफ आइडियोलॉजी, क्योंकि मुख्तलिफ स्कॉलर्स का इसके ऊपर कोई कंसेंसस नहीं है। ये एक फ्रेंच फिलासफर थे जिनका फ्रेंच नेम दिया गया है एंटोनी लुइस क्लैड, जिन्होंने जो जिनकी लाइफ स्पैन 1754 से 1836 तक है। ही वाज फ्रेंच फिलासफर हु कॉइन्ड द टर्म आइडियोलॉजी राइट फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड आइडियोलॉग इन 1796, असेंबलिंग द वर्ड आइडिया एंड लोगी विच मीन द साइंस ऑफ आइडियाज। ही वाज द फर्स्ट पर्सन द फ्रेंच फिलासफर हु कॉइन्ड द टर्म आइडियोलॉजी। इसकी मरियम वेबस्टर डिक्शनरी के मुताबिक डेफिनेशन ये है, द इंटीग्रेटेड असर्शंस थ्योरीज एंड एम्स दैट कॉन्स्टिट्यूट ए सोशियो पोलिटिकल प्रोग्राम दे आर कॉल्ड आइडियोलॉजी। अकॉर्डिंग टू कैम्ब्रिज डिक्शनरी, ए सेट ऑफ बिलीव्स आर प्रिंसिपल्स especially one on which a political system, party or organization is based, that is called ideology. However, a working definition of ideology may be drafted as under a set of beliefs that lead to the formulation of a plan of action or strategy of any political, social or economic movement, and that become the common objective of all the persons sharing the same set of beliefs in the light of facts or historical events. तो ये एक डेफिनेशन हमने जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग एक रीजनेबल बैलेंस सी डेफिनेशन हमने ड्राफ्ट की है। What is the significance of ideology in political science? This may refer to the political belief system. Ideology gives direction to the group of people. Ideology makes a group of people organized. Without ideology, any group of people is a mob with no direction. They support the change or status quo depending upon the situation. Ideology status quo की फेवर में भी हो सकती है, तब्दीली के लिए भी हो सकती है, और ideology लोगों को एक सिमत देती है, उनको एक मकसद हयात देती है। जैसे एक इंसान का मकसद हयात होता है जब एक कम्युनिटी का या एक ग्रुप का मकसद हयात हो तो उसको हम आइडियोलॉजी कहते हैं।
सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डिप्राइवेशन मे रिजल्ट इन टू द एमरजेंस ऑफ न्यू आइडियोलॉजीज विच अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ पर्सन हु सी अ रे ऑफ होप फॉर द फ्यूचर इन न्यू आइडियोलॉजीज। आइडियोलॉजीज कोई ऐसे बैठे बैठे नहीं बन जाती, कोई ना कोई उसके पीछे सोशल पॉलिटिकल या इकोनॉमिक डिप्राइवेशन होती हैं और लोग अपने मौजूदा हालात से मुतमिन नहीं होते। आइडियोलॉजी प्रोडक्ट ही डिप्राइवेशन का है। ये अच्छे हालात में आइडियोलॉजी नहीं बनती। जब कोई डिप्राइवेशन होगी, जब कोई महरूमी होगी, तो उससे ये निकलती हैं। और फिर चूंकि इनके अंदर एक प्लान होता है कि हमने फ्यूचर में ये करना है, और फ्यूचर में और उस आइडियोलॉजी में एक रे ऑफ होप होती है फॉर फ्यूचर, तो फॉर बेटर फ्यूचर वो तमाम कम्युनिटीज जो डिप्राइव्ड होती हैं या उस कम्युनिटीज के तमाम मेंबर जो डिप्राइव्ड होते हैं वो मिल जाते हैं और इकट्ठी मिलके प्लान करके एफर्ट करते हैं। इसमें लीडर को होना भी बहुत जरूरी है। इट बाइंड द ग्रुप ऑफ पर्सन टूगेदर हु फार्मुलेट द स्ट्रेटजी टू मटेरियलाइज देयर कॉमन ऑब्जेक्टिव। अब आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। पहले हमने आइडियोलॉजी को एक्सप्लेन किया, वो जरूरी था बताना कि व्हाट इज मेंट बाय आइडियोलॉजी। और आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इज बेस्ड ऑन इस्लाम एज द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट आर ए सेपरेट नेशन बिकॉज दे हैव ए डिफरेंट रिलीजन हेंस दे शुड हैव ए सेपरेट स्टेट वेयर दे कुड एक्सपेरिमेंट द गोल्डन प्रिंसिपल ऑफ द रिलीजन। दिस गिव्स राइज टू द two nation theory which says the Hindus and the Muslims are two separate and distinct nations and they cannot live together in the united India. To nazariya e pakistan ya ideology of pakistan iski buniyad islam hai aur islam ki buniyad pe hi musalman ye claim karte hain ki wo ek separate nation hai, unka mazhab alag hai, wo ek khuda pe yakeen rakhte hain, jabki hindu jo hain wo bahut sare बुतों को पूजते हैं, लिहाजा उनके वो आपस में इकट्ठे नहीं रह सकते। फिर उनको अपने मजहब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के लिए एक ऐसा स्टेट चाहिए जहाँ पे वो अपने मजहब के प्रिंसिपल्स को एक्सपेरिमेंट कर सकें। ये जो आइडियोलॉजी है ये इसी से निकलती है टू नेशन थ्योरी, जिसका मतलब ये है कि हिंदू और मुसलमान जो है वो एक कौम नहीं है बल्कि दो अलग अलग कौमें हैं। बेसिकली हिंदूज वांटेड टू इंटीग्रेट मुस्लिम्स इनटू देम। वो कहते थे कि नहीं, सिर्फ हिंदू ही हैं और बाकी छोटे छोटे जो कम्युनिटी हैं ये भी हिंदुइज्म का पार्ट हैं और ये इकट्ठी रह सकती हैं। दे वांटेड यूनाइटेड इंडिया, जिसके रिएक्शन में ये जो थ्योरी है, ये टू नेशन थ्योरी वो आई। आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इज बेस्ड ऑन टू नेशन थ्योरी एंड द आइडिया ऑफ सेपरेट स्टेट फॉर द मुस्लिम्स इन इंडिया। द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान कल्बिनेटेड इन द फॉर्म ऑफ सेपरेट स्टेट फॉर द मुस्लिम्स इन 1947। मुस्लिम्स आर ए डिस्टिंक्ट नेशन विच कैन नॉट बी मर्ज्ड इन एनी अदर नेशन ऑफ इंडिया। ये है बेसिकली आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। हिंदू और मुस्लिम में क्या फर्क है? रिलीजन, एक खुदा को मानने वाले और बहुत सारे बुतों को मानने वाले, कल्चर डिफरेंट है, शादी ब्याह की रसूमात डिफरेंट है, सिविलाइजेशन डिफरेंट है, कस्टम्स डिफरेंट हैं। कस्टम से आप ये देख लें कि उनका जो दफनाने का तरीका है मुसलमानों का अलग है, हिंदू अपने मुर्दा लोगों को जलाते हैं। हिस्ट्री हिंदुओं की अलग है, मुसलमानों की अलग है। मुस्लिम्स आर ऑफ इंडिया, दे टेक प्राइड इन देयर हिस्ट्री, कि उनकी हिस्ट्री जो है वो मुसलमानों की अलग हिस्ट्री है। सोशल लाइफ उनकी अलग है, उनकी कुजीन अलग है, उनके खाने पीने अलग हैं। मुसलमान गाय का गोश्त खाते हैं और हिंदू जो हैं वो गाय को अपना जो है उसका उसके उसको अपना मुकद्दस उसको अपनी माँ मानते हैं, मुकद्दस जानवर है उनके लिए। और
इसके अलावा उनका लिटरेचर डिफरेंट है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ डिफरेंट है. दीज आर द फंडामेंटल डिफरेंसेस बिटवीन हिंदू एंड द मुस्लिम्स विच एक्सप्लेन दैट दे आर द टू डिफरेंट नेशंस. ये कैसे इमर्ज हुई? When the Muslims of India felt that they were being exploited socially, economically, and politically by the Hindus, and the British, as it has already been discussed, that the ideologies emerged out of suppression and exploitation of any social class. हुआ ये था कि 1857 में जो जंग आज़ादी हुई, उस जंग आज़ादी का इल्ज़ाम मुसलमानों पे लगा. ब्रिटिश ने ये उनके माइंड में ये था कि मुसलमान हैं. फिर इसके ऊपर सफ़ेद अहमद खान ने बड़ी कोशिश की कि इसको इन मिस अंडरस्टैंडिंग को दूर किया जाए. वेल, ब्रिटिश ने ये मुसलमानों को इसका जिम्मेदार समझा और कि जंग आज़ादी, उन्होंने उसको एक रेबिलियन का नाम दिया, गद्दारी और बगावत का नाम दिया. और चूंकि वो ब्रिटिश मुसलमानों की उसके बाद खिलाफ हो गए, तो लिहाजा हिंदुओं को मौका मिला कि वो स्पेस ले लें जो कि मुसलमानों को पीछे करके उनको मिली थी. तो दोनों ने कोलैबोरेट किया. फिर हिंदू अपने मेजॉरिटी में भी थे, तो लिहाजा ये हिंदू और ब्रिटिश का जो एक किस्म का कोलूजन था, कोलैबोरेशन था, ये मुसलमानों ने इससे बड़ा थ्रेटन फील किया. हु इज द फादर ऑफ टू नेशन थ्योरी? सर सैयद अहमद खान, हु First felt that the Muslims and the Hindus cannot live together in the United India, is considered as the father of two nation theory. Initially, he was in the favor of Hindu-Muslim unity, but later on he changed his mind after seeing the prejudicial mindset of the Hindus towards Muslims. Roots of the ideology of Pakistan go to the advent of Islam in the subcontinent. The two nations emerged when the first Muslim landed in the subcontinent. Though there were always two nations since the advent of Islam in the subcontinent, the concept emerged in the form of ideology or theory after the War of Independence in 1857. ये किरदार मुहम्मद अली जिन्ना का quotation भी है कि Pakistan came into being the day the first Indian national entered the fold of Islam. So जिस दिन पहला मुसलमान यहाँ पे एग्जिस्ट किया सब कॉन्टिनेंट में, उसी दिन ही हम कहते हैं कि आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान स्टार्ट हो गया था, क्योंकि वहाँ से ही ये स्टार्ट हुआ. और फिर इसका जो असल इमरजेंस थी वो वार ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद सामने आई, क्योंकि उस टाइम मुसलमानों को सप्रेस करना शुरू कर दिया गया और ब्रिटिश ने एक समझा कि मुसलमान जो है वो गद्दारी के मुर्तकिब हुए हैं और रेबिलियन के मुर्तकिब हुए हैं और एंटी गवर्नमेंट हैं, तो इसलिए एक सप्रेशन और डिप्राइवेशन से और एक्सप्लाइटेशन से आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान ने जन्म लिया. व्हाई द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया वांटेड एन इंडिपेंडेंट स्टेट? ये बहुत अहम क्वेश्चन है. व्हाई ए सेपरेट स्टेट? इसके मेजर जो क्वेश्चन हैं वो चार रीजंस हैं जो कि हमने यहाँ पे कंपाइल किए हैं. दे वांटेड टू लिव देयर लाइफ अकॉर्डिंग टू द टेनेंट्स ऑफ इस्लाम. दे डिडंट वांट टू बी डोमिनेटेड बाय द हिंदूज इन द यूनाइटेड इंडिया. दे वांटेड टू प्रोटेक्ट देयर सेपरेट नेशनल आइडेंटिटी एंड दे वांटेड टू पुट एन एंड टू देयर एक्सप्लॉयटेशन. तो ये चार मेजर पोर्शंस हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे. कैजाज़ मोहम्मद अली जिन्ना सेड, We did not demand Pakistan to acquire a piece of land, but we wanted a homeland where we could introduce Islamic principles. The popular slogan during the movement for Pakistan was "Pakistan ka matlab kya, la ilaha illallah." This slogan implies that Muslims of the subcontinent were enthusiastic to acquire an Islamic state where they could spend their lives according to the principles of Islam. So they wanted to live their lives according to the tenets of Islam. This was the first reason. On another occasion, the Qaid said, "It is my firm belief that our salvation lies in following the golden rules of conduct as given by our greatest lawgiver, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the Prophet of Islam, peace be upon him. Let us lay the foundation of our democracy on the basis of truly Islamic ideals and principles. The Almighty has taught us that our decisions in the state affairs shall be guided by mutual consultation."
तो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के पोर्शन में जितना आप कोटेशन डालेंगे उतना आपका जो जवाब है उसमें आपके मार्क्स आएंगे. सेकंड रीजन व्हाई दे वांटेड टू हैव पाकिस्तान बिकॉज दे डिडंट वांट टू बी डोमिनेटेड बाय द हिंदूज इन द यूनाइटेड इंडिया. हिंदू जो थे वो यूनाइटेड इंडिया चाहते थे, पार्टीशन नहीं चाहते थे. मुसलमान इंडिया पे रूल कर चुके थे, हिंदू मेजोरिटी में थे, और जब मुसलमानों की हुकूमत थी तो आबादी मुसलमानों की ग्रेजुअली बढ़ के 1/4 तक पहुंच चुकी थी, 1/4 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया. बट जब ब्रिटिश आए तो मुसलमानों का रूल जब एंड हुआ तो इस को हिंदुओं ने एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे लिया, और ब्रिटिश भी दे वर इंक्लाइन टुवर्ड हिंदू दो रीजन की वजह से, एक पोलिटिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा थी, दूसरा मेजोरिटी और 1857 की जंग आज़ादी का इल्ज़ाम भी सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों पे लग गया, हालांकि उसमें हिंदू भी बराबर के शरीक थे. तो इन वजूहात की बुनियाद पे मुसलमान जो थे उनको खौफ था कि वो अगर पार्टीशन ना हुई और इंडिया यूनाइटेड रहा तो वो डोमिनेट उनके ऊपर हिंदू करेंगे. फिर जो उस टाइम पॉलिटिकल सिस्टम आ चुका था वो मतलब डेमोक्रेसी का सिस्टम आ चुका था, इससे पहले मुसलमानों ने जो रूल किया था वो अब खानदानों की हुकूमत थी, एम्पायर्स थी, जमहूरियत नहीं थी. यहाँ से एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि जमहूरियत के जो सिस्टम आ रहा था उस टाइम, और ये चूँकि नया सिस्टम आना था, जमहूरी निज़ाम आना था, तो जमहूरी निज़ाम में यूनाइटेड इंडिया में मुसलमानों के पास गवर्नमेंट लेने की या पावर लेने की जो पॉसिबिलिटीज थी वो ना होने के बराबर थी, बिकॉज एवरीवेयर दे वर इन माइनॉरिटी, कुछ जगह छोड़ के बाकी तमाम जगहों पे वो माइनॉरिटी में थे. तो लिहाजा दे वर नॉट इन ए पोजिशन टू फार्मुलेट गवर्नमेंट एनी टाइम इन द हिस्ट्री अगर वो यूनाइटेड रहते इंडिया के साथ, अगर वो पार्टीशन ना होती. वाई दी हिंदूज वर इन ए पोजिशन टू डोमिनेट द मुस्लिम इन द यूनाइटेड इंडिया, मेजोरिटी में थे, पोलिटिकली मोर कॉन्शियस थे, मोर श्रूट थे, एडवांस्ड इन एजुकेशन थे, और फिनेंशियली भी रिच थे. इट वॉज फॉर दिस रीजन दैट द मुस्लिम लीडर्स डिमांडेड ए सेपरेट स्टेट फॉर द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. दे वॉन्टेड टू प्रोटेक्ट देयर सेपरेट नेशनल आइडेंटिटी. ये वही बात जो हम कर चुके हैं. हिंदू जी चाहते थे कि मुसलमानों के सेपरेट जो नेशनल आइडेंटिटी उसको ख़त्म किया जाए. इसके लिए उन्होंने बहुत सारी तहरीकें भी चलाईं, हिंदू हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी चौधरी चंदन मूवमेंट्स, ये इसकी मिसालें हैं. फिर आता है आखिरी पॉइंट के दे वांटेड टू पुट एन एंड टू देयर इकोनॉमिक एक्सप्लाइटेशन. उनकी एक्सप्लाइटेशन हो रही थी मुसलमानों की अंडर द ब्रिटिश रूल, क्योंकि उनको गवर्नमेंट जॉब्स नहीं मिल रही थी और सिर्फ वो लो रैंकिंग जॉब्स के लिए ही एयर समझे जाते थे. हाई रैंकिंग जॉब्स के ऊपर हिंदुओं का कब्जा था सिविल और मिलिट्री फील्ड में. फिर मुसलमानों की जो प्रॉपर्टीज थी वो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1857 की जंग आज़ादी में सजा के तौर पे उसके बाद उन्होंने उनकी वो कन्फिस्केट कर ली थी. फिर हिंदुओं की मोनोपोली थी बिजनेस और ट्रेड में, और फाइनेंशियली भी रिच थे, और मुस्लिम एंटरप्रेन्योर्स को वो फील्ड में अलाउ नहीं करते थे, स्पेस नहीं थी वहाँ पे. एग्रीकल्चरल लैंड हिंदुओं के पास थी, मुसलमान सिर्फ उनके मजारे थे, कल्टीवेटर्स थे, वो भी एक्सप्लॉयटेशन थी. मुसलमान एजुकेशन में भी उनसे बहुत पीछे थे और हिंदू बहुत आगे थे, एडवांस थे मॉडर्न नॉलेज में. ये इकनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, और इस वजह से उन्होंने सोचा कि उनकी अपनी एक स्टेट होनी चाहिए जहाँ पे वो अपना निज़ाम कायम करें, अपना एक इकोनॉमिक सिस्टम लेके आए जो कि एक्सप्लॉयटेशन के ऊपर मबनी ना हो, बल्कि वो इस्लामिक आइडियल्स ऑफ जस्टिस, फेयर प्ले एंड पब्लिक वेलफेयर पे बेस करता हो. ये है वो इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम की थोड़ी फीचर मैंने डाल दिए. ये इस्लामियात में भी आपके काम आएगा कि इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम क्या है. इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम में मोटी मोटी बात ये है कि किसी भी इंसान की एक्सप्लॉयटेशन की कोई गुंजाइश नहीं है, यानी अगर कोई चीज़ शॉर्ट है तो आप उस पर अपना प्रॉफिट ज़्यादा नहीं कर सकते. देर इज़ नो स्पेस फॉर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनी पर्सन. होल्डिंग की कोई गुंजाइश नहीं है. लश्करंदोजी को इस्लाम सख्त नफरत करता है. सूद के खिलाफ है, इंटरेस्ट
उनके बारे में बड़ी सख्त वईद सुनाई गई है। और इस्लाम बिलीव करता है कि आप प्रोडक्शन बढ़ाएं, प्रोडक्शन बढ़ाएं, मुनाफा कम रखें, प्रोडक्शन बढ़ाएं, और अगर आप ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं तो आप प्रोडक्शन ज़्यादा करें। लेकिन जितनी ज़्यादा ट्रेड होगी, जितनी ट्रांजेक्शन होंगी, उतना ज़्यादा प्रॉफिट आएगा। अगर आपने 100 रुपये कमाने हैं मिसाल के तौर पे, तो आप 50 ट्रांजेक्शन करें, हर ट्रांजेक्शन पे 2 रुपये कमा लें, बजाय इसके कि आप 10 ट्रांजेक्शन पे 10-10 रुपये कमा के 100 रुपये बनाएं। तो आप ये ज़्यादा चीज़ें बेच के कम प्रॉफिट के साथ प्रॉफिट अपना मार्जिन पूरा करें, यानी मोर ट्रेड मोर ट्रांजेक्शन एंड लेस प्रॉफिट पर ट्रांजेक्शन। ये है इस्लाम का प्रिंसिपल। इस्लाम बिजनेस को एज एन एक्ट ऑफ वर्शिप लेता है। इस्लाम कहता है कि रिज़्क हलाल कमाना ऐन इबादत है। फिर ज़कात और उशर का निज़ाम, ये वो वाहिद निज़ाम है दुनिया में जिससे रकम या पैसा अमीर से गरीबों की तरफ जाता है। इस्लाम किसी भी चीज़ में मिलावट को सख्त नापसंद करता है, फाउल प्ले को, और नाप तोल में कमी बेशी बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। और इस्लाम कहता है कि कोई चीज़ अगर आपने बेचनी है तो उसकी इवन खामियां भी आप बताएं कि ये चीज़ इसमें खामी है। तो जितने गोल्डन प्रिंसिपल हैं इस्लाम के इकोनॉमिक सिस्टम के, ये वो इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम था जो कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे कि पाकिस्तान में आए। और दी कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाइल इनॉग्रेटिंग द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ऑन July 1, 1948 सेड, द वेस्टर्न इकोनॉमिक सिस्टम हैज़ क्रिएटेड मैनी प्रॉब्लम फॉर ह्यूमैनिटी। द वेस्टर्न इकोनॉमिक सिस्टम वुड नॉट हेल्प अस इन सेटिंग अप ए वर्केबल इकोनॉमिक ऑर्डर विच शुड इवॉल्व एन इकोनॉमिक सिस्टम बेस्ड ऑन इस्लामिक कंसेप्ट ऑफ जस्टिस एंड इक्वलिटी। हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटीज और इंसाफ के ऊपर मबनी एक निज़ाम हम कायम करें, ये था उनका विजन। इस लेक्चर को तैयार करने के लिए मैंने इकराम रबानी साहब की बुक पाकिस्तान अफेयर से हेल्प ली, इसके अलावा दीगर सोर्सेज भी कंसल्ट किए, इसमें गूगल, यूट्यूब और मेरी अपनी जो अंडरस्टैंडिंग थी उसको भी मैंने यूज़ किया। थोड़ा सा इसमें मटेरियल को मैंने प्रोसाइज किया, अरेंज किया, और होपफुली आपको लगा होगा कि ये मटेरियल जो है ज़्यादा आपको याद रहे, क्योंकि इसमें हर चीज़ की हेडिंग दी गई है, हर चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है, हर चीज़ के बुलेट पॉइंट्स बनाए गए हैं ताकि आपको उनके पोर्शन में याद रहें। बुक्स में ये होता है कि चीज़ें चूँकि पैराग्राफ फॉर्म में लिखी होती हैं और उनको ज़्यादा माइंड फ्रेंडली नहीं होती, क्योंकि उसमें आपको चीज़ें याद रखना मुश्किल होती हैं। यहाँ पे तमाम पॉइंट्स बुलेट पॉइंट्स में हेडिंग के साथ मौजूद हैं, तो ये हो सक ये इसलिए किया गया है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और आपको कंसेप्ट फॉर्मेशन में आसान लगे। प्रिसाइज और ब्रीफ रखा गया है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होंगे आपके पास। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।